मुनव्वर और आयशा के बीच शुरू हुई आंखों की गुस्ताखियां, मनारा को मिला धोखा। बिग बॉस 17 डे 67 की सारी हाइलाइट्स के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। मुनव्वर को लेकर मनारा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इधर ऐश्वर्या, अनुराग और बाकी लोग मनारा से पूछते हैं कि वो मुनव्वर की वजह से इतना ज्यादा अफेक्ट क्यों हो रही है। मनारा कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, जब अनुराग अपने लो पॉइंट पर थे तब भी मैं इतना ही अफेक्ट हुई थी। अभिषेक ने मनारा के ऊपर दिल टूटने वाला गाना बना दिया था, जिसको लेकर मनारा काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी और अभिषेक पर चिल्लाने लगी थी। इस बात पर मनारा और अनुराग बात करते हैं। अनुराग कहते हैं कि तुमने भी अभिषेक और खानजादी को लेकर काफी ताने मारे और गाने भी गाए, तो अगर अभिषेक भी ऐसा ही कर रहे हैं तो उससे तुम्हें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मुनव्वर और आयशा की सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। आयशा को मुनव्वर टमाटर भी देते हैं, जिससे वो काफी पिघल जाती है। फिर दोनों के बीच शायरी का दौर भी शुरू हो जाता है। इधर ईशा का कहना है कि मनारा मुनव्वर पर काफी ज्यादा डिपेंड हो चुकी है। उसे लगता है कि मुनव्वर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो आगे जा सकती है। घर में मुनव्वर और आयशा आंखों की गुस्ताखियां यानी कि इशारों इशारों में बातें करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, आयशा मुनव्वर के कपड़े सिलेक्ट करने में भी उनकी हेल्प करती हैं। दूसरी तरफ मुनव्वर भी आयशा के कपड़े आयन करने में उनकी हेल्प करते हैं। आयशा मुनव्वर से कहती है कि मनारा उन दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुनव्वर के साथ मनारा का कुछ सीन चल रहा है। मुनव्वर कहते हैं कि उनका और मनारा का बॉन्ड सिर्फ फ्रेंडली है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिग बॉस सभी घर वालों को नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटी एरिया में बुलाते हैं। इस बार का नॉमिनेशन है गिल्ट फ्री नॉमिनेशन, जहां एक्टिविटी एरिया में एक मेंढक का स्टैचू रखा हुआ है। हर घर वाले को स्टैचू को किस करना है और एक ऐसे सदस्य का नाम बताना है जो उनकी तरफ से नॉमिनेशन प्रोसेस में आकर दूसरे दो घर वालों को नॉमिनेट करेगा। सबसे पहले ईशा आती हैं और वो समर्थ को नॉमिनेशन का अधिकार देती हैं। समर्थ अभिषेक और ऐश्वर्या को नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद अंकिता आती हैं और विक्की को नॉमिनेट करने का अधिकार देती हैं। विक्की घर से बेघर करने के लिए ऐश्वर्या और अभिषेक को नॉमिनेट कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है मनारा की। वो नॉमिनेट करने के लिए अनुराग को चांस देती हैं, लेकिन अनुराग सबसे पहले मनारा को ही नॉमिनेट कर देती हैं, जिसके बाद मनारा और अनुराग की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान मनारा अनुराग से कहती हैं कि यही तुम्हारी असलियत है, तुम हमेशा अपने ही दोस्तों को धोखा देते हो और शायद इस क्लैरिटी की मुझे सख्त जरूरत थी। नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान एक तरफ विक्की, अंकिता, नील, ऐश्वर्या की लड़ाइयाँ होती हैं और वहीं दूसरी तरफ समर्थ, ईशा और अभिषेक में भी काफी ज्यादा कहासुनी हो जाती है। आयशा अपनी टर्न में मुनव्वर को नॉमिनेशन का चांस देती हैं और मुनव्वर सबसे पहले अनुराग को ये कहते हुए नॉमिनेट करते हैं कि वो हमेशा अपने ही दोस्तों को बैक स्टैप करते हैं। यहाँ मुनव्वर का इशारा मनारा को लेकर था। इसके बाद बिग बॉस बताते हैं कि जो जो कंटेस्टेंट्स बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो हैं नील, ऐश्वर्या, अनुराग और अंकिता लोखंडे। घर में मुनव्वर और आयशा की बढ़ती हुई नजदीकियों को देखकर कुछ घर वाले ये भी कहने लगे हैं कि मुनव्वर और आयशा का झगड़ा एकदम स्क्रिप्टेड था और शायद घर में आने से पहले ही प्री प्लान्ड था। इन दोनों की स्टोरी पर आपका क्या है कहना और इस हफ्ते आप किसको कर रहे हैं सपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।